हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो प्रीवियस लेसन हम लोग ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिस्टेंस फार्मूला ड्राइव किया था, तो आज उसी के बेस पे एक्सरसाइज 7.1 करने जा रहे हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैं एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन को सॉल्व कराऊंगा, और इसके अलावा लास्ट में इस चैप्टर के मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कराऊंगा जो बोर्ड से रिलेटेड हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट बनता है तो आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है फर्स्ट प्राइज, आप वहाँ पे कमेंट कर सकते हैं इसकी वीडियो पे। तो स्टार्ट करते हैं 7.1 एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज जो पहला 7.1 का पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट। इसमें पहले क्वेश्चन में तीन पार्ट है। तो पहला इसका है, एक दिया है डिस्टेंस फाइंड करना है बिटवीन 2,3 एंड 4,1। ओके गाइज, दूसरा इसका क्वेश्चन है डिस्टेंस बिटवीन फाइंड करना है -5,7 एंड किसके बीच में -1,3। एंड थर्ड पार्ट इसका है -a, -b। तीन पार्ट हैं, 1-to-1 सॉल्व करते हैं बारी बारी। तो बच्चों डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस फार्मूला लिख दे रहा हूं एक बार आपके लिए। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, अगर कोई दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2, कोई दो पॉइंट है उनके बीच डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है बच्चों, अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके गाइस, तो ये डिस्टेंस फार्मूला यूज करके हम तीनों क्वेश्चन करेंगे। आप एक स्टेटमेंट लिख सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन 2,3 एंड 4,1 इज इक्वल टू, तो मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ हाँ, पहला पार्ट करो, डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच बच्चों, 2,3 एंड 4,1 इज गिवेन बाई। देखो मुझे बोर्ड में स्टेटमेंट जरूर लिखना होता है, थोड़ा उससे नंबर गेन आसा अच्छा मिलता है हम लोग को। क्या होता है अंडर रूट, बच्चों बताओ, अगर मान लो ये आपका x2 y2 है, x1 y1, x2 - x1 4 - 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 1 y1 3 1 - 3 का होल स्क्वायर। बच्चों नेक्स्ट स्टेप, 4 - 2 का क्या होगा 2 का स्क्वायर, 1 - 3 - 2 का स्क्वायर। तो बच्चों नेक्स्ट स्टेप में क्या मिला, 4 + 4, बच्चों क्या मिला यहाँ अंडर रूट 8, और 8 को फैक्टराइज किया तो 2√2 मिला आपको। पहला पार्ट का आंसर ये रहा। दूसरा पार्ट बच्चों करते हैं, यहाँ पे सेम स्टेटमेंट बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन -5,7 एंड -1,3 लिख दिया स्टेटमेंट, डिस्टेंस बिटवीन इस शॉर्ट फॉर्म बिटवीन पॉइंट, बच्चों यहां पॉइंट लिख देना, पॉइंट किसके -5,7 एंड -1,3 इज गिवेन बाई। अगेन बच्चों x2 - x1, x2 - 1 यानी x2 - -5 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 y2 आपका 3 - 7 का होल स्क्वायर। -1 बच्चों प्लस
प्लस फाइव माइनस वन कितना होगा फोर, फोर का स्क्वायर मिला यहाँ पे, प्लस थ्री माइनस सेवन, माइनस सेवन और प्लस थ्री कितना माइनस फोर आएगा आपका, माइनस फोर का स्क्वायर, यहाँ क्या मिला अंडर बच्चों, सिक्सटीन प्लस सिक्सटीन क्या मिला अंडर रूट थर्टी टू, इसको फैक्टराइज किया तो सॉरी फोर रूट टू। बच्चों इसको थोड़ा शॉर्ट कर जल्दी से कर सकते हो, देखो यहाँ भी फोर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ फोर स्क्वायर कॉमन है, फोर स्क्वायर जब कॉमन लोगे तो क्या मिलेगा बाहर आएगा फोर बाहर आया, और यहाँ वन बचेगा वन, वन प्लस वन टू, इतना करने जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ ले सकते हो फोर रूट टू देख के ही। तो सेकेंड पार्ट का आंसर हमारा ये रहा, थर्ड पार्ट का लिखते हैं, थर्ड पार्ट आंसर करते हैं। जो थर्ड पार्ट में क्या है, डिस्टेंस बिटवीन इसमें ए कमा बी कमा माइनस ए कमा माइनस बी फाइंड करना है, तो लिख दो स्टेटमेंट, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए कमा बी एंड माइनस ए कमा माइनस बी इज गिवेन बाई अंडर रूट अगेन एक्स टू माइनस एक्स वन एंड वाई टू माइनस वाई वन का होल स्क्वायर करना है, एक्स टू माइनस एक्स टू यहाँ माइनस ए, माइनस ए हाफ माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस बी एंड माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या मिला आपको बच्चों यहाँ पे अंडर रूट माइनस ए माइनस बी, माइनस ए कितना होगा कितना प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस सॉरी माइनस टू ए का होल स्क्वायर प्लस माइनस टू बी का होल स्क्वायर, स्क्वायर के अंदर कोई भी नेगेटिव वाली क्या होता है प्लस हो जाता है, क्या मिला आपके अंदर यहाँ पे फोर ए स्क्वायर प्लस फोर बी स्क्वायर, दोनों में क्या कॉमन है बच्चों फोर, फोर जब कॉमन लोगे तो फोर का स्क्वायर रूट बच्चों क्या है टू आएगा बाहर, अंदर क्या मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये रहा आपका फाइनल आंसर, ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव करते हैं सेकेंड क्वेश्चन बच्चों, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट जीरो कमा जीरो एंड थर्टी सिक्स कमा फिफ्टीन, क्वेश्चन नंबर टू क्या कह रहा है, डिस्टेंस फाइंड करना है जीरो कमा जीरो एंड थर्टी सिक्स कमा फिफ्टीन, तो दो पॉइंट है जीरो कमा जीरो एंड थर्टी सिक्स कमा फिफ्टीन, इनके बीच डिस्टेंस फाइंड करना है, और एक पार्ट अलग से बोल रहा है कैन यू नाउ फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू टाउन्स ए एंड बी डिस्कस सेक्शन 7.2, क्वेश्चन कर लेते हैं फिर उस पर मूव करते हैं क्या है सेक्शन 7.2 में, पहले इसको सॉल्व करते हैं अगेन वही स्टेटमेंट बच्चों, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट जीरो कमा जीरो एंड थर्टी सिक्स कमा क्या फिफ्टीन, इनके भी डिस्टेंस फाइंड करना है बच्चों, इज गिवेन बाई कैसे एक्स टू माइनस एक्स वन थर्टी सिक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन इट मीन्स 15 माइनस जीरो का होल स्क्वायर। नाउ गाइस यहाँ अंडर रूट क्या मिला 36 का स्क्वायर और प्लस 15 का स्क्वायर, बच्चों 36 स्क्वायर क्या होगा नहीं आया कैलकुलेट कर लो यहाँ पे 66 जा 36 63 जा 18 प्लस वन 19 ये रहा आपका 6 9 8 प्लस 8 17 एंड वन प्लस वन टू वन यहाँ 12 सेवन सिक्स प्लस टू टू फाइव 15 का स्क्वायर तो आता है आपको बच्चों, आप लोग को जीरो से वन से लेकर 30 तक स्क्वायर जरूर याद रखना आप लोग अपने लिए, इनका प्लस किया 6 प्लस फाइव क्या वन, सेवन प्लस टू नाइन प्लस वन टेन, टू प्लस टू फोर प्लस वन फाइव या इतना है, तो बच्चों इसका मेरे ख्याल से इसका स्क्वायर रूट 39 आना चाहिए, आप क्रॉस चेक कर सकते हो कैसे मैंने फाइंड किया 9 9 जो क्या होता है बच्चों 81 होता है, लास्ट वन
या तो 39 हो सकता है या तो 41 हो सकता है या तो 31। तो इसके बाद 40 का स्क्वायर बच्चों 1600 होता है। तो मैंने यहाँ गेस कर लिया कि यहाँ पे इतने आ गए आंसर। और कहो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो 39 का स्क्वायर लगा के, यहाँ पे 1 9 9 81 कैरी 8 हुआ आपका, 9 27 27 + 8 15 कैरी आपका 35 हुआ, यहाँ 27 ये रहा आपका 1 2। बच्चों यहाँ गलती आ गई कहाँ से, यहाँ गलती हुई थी, 36 का स्क्वायर निकालने में गलती हुई थी। 6 6 36 6 3 18 18 + 3 कितना होता है बच्चों, 21 होता है यहाँ पे, तो यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे बच्चों 9 आएगा, तो यहाँ पे आराम से 2 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। ये रहा आपका आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का। अब जो बोला है सेक्शन 7.2 का बात कर रहा है, 7.2 में एक बार देखता हूँ क्या है 7.2 में, एक मिनट। तो बच्चों मैं 7.2 जो डायग्राम है बना दिखाता हूँ। तो 7.2 में ऐसे एक डायग्राम है, ऐसे ही है, और एक यहाँ पे पॉइंट ए और बी है। इनिशियल पॉइंट ए ले लिया और इसको बी ले लिया, इसको दिया है वाई को नॉर्थ एक्सिस दे दिया है, और इसको एक्स को क्या दिया है, ईस्ट दे दिया आपका, इसको एक्स नाम दिया। तो बच्चों जो यहाँ पे ये डिस्टेंस गिवन है 15 किलोमीटर, कितना बच्चों 15 किलोमीटर, और ये डिस्टेंस दिया है बच्चों आपका 36 किलोमीटर। आपको बताया था पहले लेसन में लेक्चर में कि किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे दिया जाता है, एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, यानी एक्स डिस्टेंस इधर ट्रेवल किया इस पॉइंट के पैरेलल और वाई, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बच्चों बी का 36.15। बच्चों मैं इसको रिफरेंस पॉइंट ले रहा हूँ ए को 0.0, हमें यही डिस्टेंस फाइंड करना है, इसके इसको 0.0 लो। तो आप ए बी का डिस्टेंस तो फाइंड कर सकते हो, कैसे यहाँ मैंने निकाला अभी, हमें डिस्टेंस फाइंड करना है 0.0 एंड 36.15 के बीच में, जो कैसे गिवन जाता गिवन होता है ये। तो डिस्टेंस ए बी क्या हो जाएगा आपका बच्चों, ए बी कितना होगा 39 किलोमीटर। कैलकुलेशन करने जरूरत नहीं है आपको, आपने कैलकुलेशन पहले कर लिया है यहाँ पे, बस यूनिट लगा के किलोमीटर ले दो आप। ओके गाइस क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, इतना नोट करिए फिर बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करा, डिटरमाइन इफ द पॉइंट 1.5 2.3 -2, -11 आर कोलिनियर। तो बच्चों कोलिनियर कंडीशन क्या होता है, किन्हीं दो जो पेयर ऑफ दो पेयर किन्हीं दो पॉइंट के पेयर के जो बीच डिस्टेंस होता है, अगर तीसरे पेयर ऑफ पॉइंट के बीच डिस्टेंस इक्वल हो जाए तो क्या कहेंगे उसे, कोलिनियर। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपका, तो लेट पॉइंट बी ए मान लो पहले को कितना 1.5 एंड बी मान लो दूसरे को कितना बच्चों 2.3 एंड तीसरे को सी कॉमा पॉइंट क्या था -2, -11। तो बच्चों इसको शो करना है कि कोलिनियर है या नहीं। बच्चों कोलिनियर में इसमें कितने पेयर बन रहे हैं पॉइंट के, ए बी बी सी एंड ए सी, किन्हीं दो पेयर का सम तीसरे पेयर का अगर इक्वल हो जाए तो क्या बोलोगे, कोलिनियर। तो पहले हम ए बी फाइंड करते हैं बारी बारी, और बी सी और फिर ए सी। तो ए बी निकालते हैं, चलो ए बी सॉल्व करते हैं। ए बी बच्चों ए बी गिवन बाई अगेन, इसको एक्स टू वाई टू मान लो, 2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर। बच्चों क्या मिला, 2 - 1 कितना होगा 1 एंड 3 - 5 - 2, तो 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर।
यहाँ 1 का 1 और माइनस 2 का 4, तो लास्ट में क्या मिला बच्चों, अंडर रूट 5। तो ए बी के बीच डिस्टेंस कितना, रूट 5 यूनिट। ऐसे बी सी फाइंड कर लो, बी सी क्या है बच्चों, यानी इसके इसके बीच में, मैं हमेशा लास्ट को एच टू ही मानता हूँ, तो माइनस टू माइनस टू माइनस टू माइनस प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस माइनस इलेवन और प्लस थ्री माइनस इलेवन माइनस थ्री का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर लगा दो बच्चों, माइनस टू और माइनस टू क्या था माइनस फोर, माइनस इलेवन माइनस थ्री माइनस फोर्टीन, तो बच्चों अंडर मिला माइनस फोर का स्क्वायर प्लस माइनस फोर्टीन का होल स्क्वायर। नेक्स्ट 4 का 16 एंड 14 का, 14 का इसका कितना था बच्चों, 196। अंदर में क्या मिला आपको, 6 प्लस 6 2 एंड 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 1 11 एंड 2। ये रहा आपको ए बी मिली है, बी सी मिली है, आप निकालेंगे सी ए, इनके इनके बीच में सी ए फाइंड करते हैं। सी ए बोलो या ऐसी बोलो, चलो आप इसको वन इसको माइनस टू एंड वन, या इसको एस टू मान लो, तो वन माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस फाइव माइनस माइनस इलेवन का होल स्क्वायर। बच्चों माइनस माइनस प्लस प्लस टू हो जाएगा, प्लस टू एंड वन कितना प्लस थ्री, थ्री का स्क्वायर प्लस, यहाँ बच्चों देखो माइनस माइनस कितना प्लस, प्लस इलेवन एंड फाइव कितना, इलेवन प्लस फाइव कितना सिक्सटीन, सिक्सटीन का स्क्वायर। तो बच्चों थर्टीन थ्री का स्क्वायर कितना नाइन और सिक्सटीन का 256 कितना है बच्चों, 256 ये रहा आपका। अब यहाँ पे गौर करिए, क्या किन्हीं दो साइड का सम तीसरे को बराबर हो रहा है, नहीं हो रहा है ना, तो आप यहाँ सीधे लिख सकते हो फ्रॉम एबव, ऊपर से हम कह सकते हैं फ्रॉम एबव वी सी दैट, वी सी दैट, तो लिख दो आप ए बी या सीधे लिख दो, वी सी दैट नो पेयर आर साइड आर इक्वल, ठीक है, या वी सी दैट, तो ए बी सी सिंपल लिखो पॉइंट पॉइंट ए कॉमा बी एंड सी आर नॉट को लीनियर, जस्ट कुछ नहीं करना है आपको। ये रहा आपका थर्ड का क्वेश्चन, ओके बच्चों नोट करिए। हाँ नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, चेक वेदर 5 कॉमा माइनस 2 6 कॉमा 4 एंड 7 कॉमा माइनस 2 आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तीन वर्टिस दे दिया, तीन पॉइंट दे दिया है अभी ट्रायंगल के, चेक करना है ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं। बच्चों आइसोसेलेस ट्रायंगल का कंडीशन क्या होता है, ट्रायंगल का कोई दो साइड क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, ओके गाइस। तो अब हम तीनों के बीच में डिस्टेंस फाइंड करेंगे, उसके बाद चेक करेंगे, देखते हैं कि दो का सम और दो कोई दो इक्वल हो रहा है नहीं हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, तो लेट अगेन लेट पॉइंट बी का पी मान लो, इसको पिछले ए बी सी माने हो तो आपकी मर्जी, आपको जो अच्छा लगे बनाओ, क्यू सिक्स कॉमा 4 एंड आर ले लो आप कितना 7 कॉमा माइनस 2। हमें चेक करना है इन्हीं को सॉल्व करके,
ध्यान से बच्चों, पूरी ये एक्सरसाइज में केवल डिस्टेंस ही गेम है, डिस्टेंस के ही बेस सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा आपका। और पैटर्न आपको बता दिया, पूरा फंडा पॉइंट बता दिया पहले से ही, आप बस उनको माइंड में रखिए और क्वेश्चन करिए, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे आपसे। तो अगेन ये सॉल्यूशन है, क्वेश्चन फॉर्मूला का सॉल्यूशन देख लो। ओके, तो फिर अगेन पी क्यू फाइंड करेंगे, क्यू आर फाइंड करेंगे और पी आर फाइंड करेंगे, और चेक करेंगे कोई दो साइड इक्वल होता है नहीं होता है। तो पहले पी क्यू फाइंड करते हैं। पी क्यू मीन्स इसके इसके बीच डिस्टेंस, पी और क्यू के बीच में। तो 6-5 का होल स्क्वायर प्लस 4-2 का होल स्क्वायर। आगे क्या मिला बच्चों? 6-5 1 एंड 4-4+2 6 मीन्स 1 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर इक्वल टू क्या मिला आपका? 6 6 36 36 प्लस 1 बच्चों कितना होगा? 37 यूनिट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्या निकालेंगे? क्यू आर निकालो। क्यू आर, क्यू और आर के बीच में 7-6 का होल स्क्वायर प्लस -2 and -4 का होल स्क्वायर। अगेन बच्चों 7-6 1 and -2 और -4 बच्चों कितना होगा? -6 1-6 का होल स्क्वायर। अगेन बच्चों 6 का स्क्वायर कितना? 36 और 1 का 1, तो 36 + 1 37 बच्चों। तुम्हारा आंसर मिल चुका है, अभी दो साइड इक्वल हो गए ना, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। फिर भी हम थर्ड साइड निकालेंगे, आर पी आर। आप पी आर बोलो या आर पी बोलो, कुछ भी आपकी जो इच्छा लगे। तो 7-5 का होल स्क्वायर प्लस -2 and -2 का होल स्क्वायर। बच्चों 7-5 2 and -2 0 यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 0 इक्वल टू 2 आया आप इसका आंसर। तो फ्रॉम अबव क्या मिल गया? पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। तो स्टेटमेंट लिखो, फ्रॉम द अबव, फ्रॉम द अबव वी सी दैट, वी सी दैट व्हाट? पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। हेंस, सो हेंस, तो पॉइंट पी क्यू आर क्या होगा आपका? एक किसके वर्टेस से? आइसोसेलेस ट्रायंगल के हैं। सो हेंस पॉइंट पी 5-2 क्यू 6-4 एंड आर 7-2 क्या है? आर वर्टेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। यहाँ पॉइंट लिख दो आप चाहे तो, पॉइंट पी क्यू आर आर वर्टेक्स ऑफ किसके बच्चों? आइसोसेलेस ट्रायंगल। ओके गाइस, ये रहा हमारा सॉल्यूशन। नोट करिए क्वेश्चन नंबर 4। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब क्या कह रहा है? इन अ क्लासरूम 4 फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी डी एज शोन फिगर 7.8। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास। आफ्टर ऑब्जर्वेशन फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क्ड चमेली, डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज ए स्क्वायर? चमेली डिसएग्रीज। चंपा पूछती है कि ए बी सी डी स्क्वायर है, बट चमेली क्या कहती है? डिसएग्री करती, नहीं मानती। तो इसको हमने क्या वेरीफाई करने के लिए अब चेक करना पड़ेगा। तो आप कहो तो डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम कैसा इसका है? समथिंग लाइक दिस।
इस पे 1 to 10 पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसे यहां भी, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन। तो बच्चों जो पॉइंट ए कहाँ बैठा है, वाई वेव से 4 डिस्टेंस पे और 3 पे डिस्टेंस पे कौन बैठा है, ए, दिस वन इज ए गाइस। एंड बी, बी और डी एक लाइन में है, 6 की लाइन पे, कहाँ तक, 6 7 तक। बच्चों ये कहाँ पे है, ये कौन से बी पॉइंट है और डी कहाँ पे आपका, 1 पे, ये डी रहा आपका। और सी पॉइंट है आपका 9 और 4 के पर लाइन में, ये रहा आपका सी। तो इनको जो पॉइंट मिला रहा है बच्चों, ये सॉरी, तो पूछ रहा है ए बी सी डी स्क्वायर है नहीं है, तो चेक करते हैं अगेन डिस्टेंस फार्मूला। क्वेश्चन नंबर कौन सा बच्चों, ये क्वेश्चन नंबर 5, एक ही सिस्टम यूज करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। तो पहले फाउंड करते हैं ए बी, फिर बी सी, फिर सी डी, फिर डी ए फाइंड करते हैं। अगर चारों साइड इक्वल हो गए उसके बाद डायगोनल फाइंड करेंगे, ये और ये फाइंड करेंगे। बच्चों डायगोनल तो आप यहां से भी कैलकुलेट कर सकते हो, यहां देखो बच्चों 9 - 3 कितना होता है, कितना 6, क्योंकि एक ही लाइन में एक 6 आया, और यहाँ भी कर लो 7 - 6 कितना बच्चों, 6। डायगोनल तो इक्वल है, बट मैं फिर भी दिखाऊंगा आपको। तो बच्चों बी के क्वाड्रेंट कितना हो गया, देखो बी एक्स कितना है 6 एंड वाई कितना है 7। सी के क्वाड्रेंट कितना होगा बच्चों, सी का एक्स कितना है 9 एंड बच्चों वाई कितना है 4। डी के क्वाड्रेंट क्या हो बच्चों, एक्स आपका 6 है और वाई 1। ए के क्वाड्रेंट कितना होगा बच्चों, देखो बच्चों एक्स कितना है 3 डिस्टेंस और वाई 4। ओके, डायग्राम से दे लिखने जरूरत नहीं है कुछ है मुझे बाहर, मैं डायरेक्ट सोल्यूशन कर रहा हूँ। तो क्या है, पहले फाइंड करते हैं ए बी, बच्चों ए बी फाइंड करो। देखो बच्चों डिस्टेंस फार्मूला बार बार नहीं लिखने जरूरत पड़ रहा हूँ कर रहा हूँ, डिस्टेंस फार्मूला लिखने जरूरत भी नहीं है बार बार आपको एग्जाम में, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है। अगर आप हर केस में डिस्टेंस फार्मूला लिखोगे तो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा आपको, चूँकि बोर्ड में हमें टाइम बचाना भी होता है और एक्यूरेसी भी होना चाहिए सही से। तो ए भी निकालते हैं, नहीं इस केस के बीच में 6 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 7 - 4 का होल स्क्वायर। बच्चों क्या मिला अंदर, 6 - 3 का स्क्वायर क्या, 3 का स्क्वायर कितना 9 प्लस 7 - 4 बच्चों कितना 3 का स्क्वायर 9। अगेन बच्चों मैंने आपको सही सब बताया हूँ, सेम नंबर हो तो सेम नंबर कॉमन लो और उसका स्क्वायर रूट, 9 कॉमन दोनों में आएगा, 9 का स्क्वायर 3 और अंदर बचे 1 1 + 1 2 रूट। बी सी फाइंड करो सेम तरीके से इसके सीरीज में, तो बी सी 9 - 6 एंड 4 - 7, 9 - 6 प्लस 4 - 7 अगेन बच्चों 9 - 6 बच्चों कितना होगा 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। अगेन बच्चों इन दोनों में क्या कॉमन है 3 स्क्वायर कॉमन है, 3 बाहर ले लो तब अंदर 1 और 1 1 का प्लस 2 आ गया, ये था आपका। सी ए फाइंड करो, सी डी फाइंड करते हैं बच्चों, सी डी इसके 6 - 9 एंड 1 - 4 6 - 9 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। बच्चों अगेन सेम 3 का स्क्वायर दोनों कॉमन, 3 बाहर आ जाएगा और -1 का स्क्वायर 1 एंड -1 का स्क्वायर 1 1 + 1 2। ओके गाइज आप
ओपन करके भी कर सकते हो, कर लीजिएगा। 3 - 3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर 9, 9 + 9 18, 18 का फैक्टराइज करो अगेन वही 3√2 आएगा। ए डी लिखो या डी ए, मीन्स इनके बीच में ये, तो डी ए 3 - 6 का होल स्क्वायर + 4 - 1 का होल स्क्वायर बच्चों क्या मिला, -3 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर। यहाँ क्या मिला बच्चों, दोनों क्या कॉमन है, 3, यहाँ पे 3 लिखो, फिर अगेन 2 2। ये तो रहा साइड निकला, अब हम डायगोनल्स निकालते हैं। डायगोनल्स डायगोनल्स क्या, ए बी, ए सी फाइंड करो बी सी, ए सी इक्वल टू ए सी इसके इसके बीच में 9 - 3 एंड 4 - 4। 9 - 3 बच्चों कितना होगा, 9 - 3 का स्क्वायर + 4 - 4 का स्क्वायर बच्चों 9 - 3 का 6 का स्क्वायर + 4 0, यहाँ मिला आपका 6। मैंने जैसे बताया था आपको इन दोनों को भी डिस्टेंस कितना है, यहाँ पे 9, ये 3, 9 - 3 बच्चों कितना होगा, 6 आ गया। नाउ फाइंड करते हैं बी डी बच्चों, बी डी क्या होगा आपको, बी डी इसके 6 - 6 एंड 7 - 1, 6 - 6 का होल स्क्वायर एंड 7 - 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 + 6 का स्क्वायर = 6। तो बच्चों यहाँ से क्या मिला, फ्रॉम द कैलकुलेशन से 4 साइड्स आर स्क्वायर, मतलब क्वाड्रेटर क्या है, इक्वल है, और डायगोनल्स इक्वल है, तो क्या होता है केस में इसमें, कि जब ये कंडीशन फॉलो करता है क्या होता है, स्क्वायर होता है क्वाड्रेटर। ओके, तो फ्रॉम द एबव क्या देखते हैं अब बच्चों, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी एंड डायगोनल, बच्चों डायगोनल कौन, ए सी एंड बी डी, डायगोनल ए सी इक्वल टू बी डी, तो क्या बोल सकते हो आप, हेंस ट्रायंगल, हेंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या आपका स्क्वायर, यहाँ लिख दो हेंस यह लिख दो ऐसे डायरेक्ट, ए बी सी डी इज अ क्या स्क्वायर। तो इसमें स्क्वायर है तो क्या हुआ, तो चंपा सही थी, चमेली गलत है, तो चंपा इज राइट, लिख दो यहां पे चंपा इज राइट, चंपा सही है और क्या, चंपा का कहना था एक स्क्वायर है, चमेली कहीं नहीं है। ओके, तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। नाउ बाकी क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट सेशन करते हैं क्लास में। ओके गाइस।